मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कम्युनिटी। एक एक्स्ट्रा कम्युनिटी के कंजम्पशन से उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी परचेज। जो अभी अभी आपने खरीदा उससे कितना मिला, वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिन यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज एम यू एन इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, या फिर चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। समझ में आया बच्चे, क्लियर है? अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टी यू एंड एम यू। टी यू और एम यू के बीच में हम रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिफाइंड करेंगे। ठीक है बच्चे, टेबल वही है, देख रहे हो अपने सामने, पहले एम यू फिर टी यू। मैं अपने टेबल पे लेकर आता हूं आपको वापस। हाँ बच्चे एक बात बताओ, आपने एक बाल्टी लगाया, कभी आपने पानी वानी भरा है बाल्टी में? जाहिर सी बात है डेली बेसिस का काम होता है, तो आपने एक बाल्टी भरा, टैब ओपन किया, पूरी स्पीड से टैप पूरा ओपन कर दिया, पानी स्पीड से आ रहा है, तो क्या उस बाल्टी में पानी स्टोर हो रहा है? अब टैप को थोड़ा सा हल्का सा बंद किया, अब पानी की रफ्तार क्या होगी, कम होगी, तो पानी पहले से कम रफ्तार से आ रहा है, तो क्या बाल्टी नहीं भर रहा या बाल्टी से पानी कम हो रहा है? पानी अभी भी उसमें भर रहा है, आज पहले से कम रफ्तार हुई है बट गिर तो रहा है उसमें। अब आपने उसको थोड़ा सा और टैप को क्लोज कर दिया, पानी की रफ्तार क्या होगी और कम हो गई, तो क्या अब पानी निकलना चालू हो गया बाल्टी से या भरने से मना कर रहा है, नहीं भैया पानी कम आ रहा है, या पानी का स्टोर अभी भी उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, पहले से कम रफ्तार से बढ़ रहा है बट लेकिन पानी का लेवल तो बढ़ रहा है, उठ रहा है। एक टाइम पे टैप पूरा ही बंद कर दिया आपने, अब उस नल से उस टैप से आपका कोई भी एक बूंद भी नहीं गिर रहा, पूरा बंद, क्या अब उसके अंदर लेवल बढ़ेगा वाटर का? जो बढ़ा जितना है वही अब मैक्सिमम है, जब वो जीरो हुआ तो मैक्सिमम हुआ, क्लियर है? अगर मैंने बाल्टी में छेद कर दिया तो भैया फिर वो जो बाल्टी का स्टोरेज है वो डाउन होने लग जाएगा। तो ऐसे ही आपने देखा, जब मार्जिन यूटिलिटी भले ही डिक्रीज हो रहा है बट मोर देन जीरो है तो टी यू तो आपका इंक्रीज हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, एम यू 10, 10, 8, 18 बढ़ता जा रहा है, 10, 18, 24, 28 and 30 कब तक बढ़ता जा रहा है, जब तक एम यू मोर देन जीरो है, जब तक एम यू डिक्रीज हो रहा है, एग्री करता हूँ, बट मोर देन जीरो का मतलब क्या, वही है ना, अगर आपका पहले से कम रफ्तार से पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, तो ट्यू में तो कुछ ट्यू को तो मिल रहा है ना कुछ ऐड होने के लिए, तो आप क्या बोलोगे व्हेन एम यू, देखो मोर देन जीरो मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव, मोर देन जीरो मीन्स क्या होता है, और लेस देन जीरो मीन्स क्या होता है, जीरो नहीं तो पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है। व्हेन एम यू इज पॉजिटिव मोर देन जीरो देन टी यू इज अ इंक्रीजिंग, टी यू इज अ इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, पहले कितना इंक्रीज हुआ 8, अब कितना हुआ 6, अब कितना हुआ 4, अब कितना हुआ 2, बढ़ तो रहा है बट किस रेट से, स्लो स्लो होता जा रहा है, तो एट द डिक्रीजिंग रेट। व्हेन एम यू इज पॉजिटिव एम यू इज मोर देन जीरो देन टी यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन एम यू इज जीरो टैप पूरा बंद कर दिया पानी नहीं गिर रहा, तो बाल्टी में जितना भी पानी है वो आपका मैक्सिमम है। व्हेन एम यू इज जीरो अब आना ही बंद हो गया, अगली यूनिट खाया कुछ मिला ही नहीं सेटिस्फेक्शन नंबर, तो जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन नंबर है वो क्या है, मैक्सिमम। अब बोलोगे सर मैक्सिमम तो ये भी हो सकता था, 30-30 तो दोनों ही है, बट यहां पे आपको रियलाइज नहीं हुआ ना, आपको लगा आगे कुछ मिलेगा तो ये बढ़ेगा, जब आगे आपको जीरो मिल गया तो अब आपको रियलाइज हुआ बेटा अब जो भी है ये मैक्सिमम अब इसके अंदर हो रहा है एडिशन, तो टी यू मैक्सिमम कब होता है, व्हेन एम यू इज जीरो, व्हेन एम यू इज नेगेटिव टी यू इज डिक्रीज। This is the relationship between the MU and TU. Clear? कितने points है? 3 points है. When MU is more than zero, TU is increasing. When MU is zero, TU is maximum. When MU is negative, TU is decreasing. समझ में आया बच्चे? Clear है? देखो. Diagram बना अभी बना कर बता देता हूँ. मैं खुद बना देता हूँ डायग्राम क्या है, आपको इतना स्केल से पेन
उस स्केल से पॉइंट को प्लॉट करने की नीड नहीं है, आप फ्री एंड बना सकते हो। फ्री एंड मतलब कि स्केल का तो यूज करोगे करोगे, पर नंबर डालने की नीड नहीं है। रीजन वाई एक्स, यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है, यहाँ पर भी क्वांटिटी है। ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं टी यू का, और ये मैं बना रहा हूँ आपका एम यू का। ये टी यू हुआ, पता लगा ऐसा टी यू ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं इसको इरेज कर दूँगा। फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन कर रहा हूँ, तो ये आपका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है बच्चे, पता है ना ग्राफ में, जितना ऊपर जाओगे उतना बढ़ेगा, जितना राइट पे जाओगे उतना बढ़ेगा। एक और कंजम्पशन करता हूँ तो टी यू बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब एक और कंजम्पशन करता हूँ सेम इतना ही, तो टी यू बढ़ेगा। एक और कंजम्पशन करता हूँ तो टी यू बढ़ेगा। एक और कंजम्पशन करता हूँ ट्यू बढ़ेगा। भाई जैसे जैसे कंजम्पशन कर रहा हूँ ट्यू तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप एक बात भी तो समझिए, ट्यू पहले कितना बढ़ा था, अब कितना बढ़ा? रफ्तार कम हो रहा है, और वो हो रहा था आपको पता है, बढ़ तो जा रहा था लेकिन रफ्तार उसकी। एक टाइम पर आप देखोगे ट्यू आपका मैक्सिमम होगा, है ना, है ना बच्चे? उसके बाद मैक्सिमम के बाद अगर आपने और भी यूनिट का कंजम्पशन करा तो टी यू बढ़ेगा या घटेगा? घट गया ना, क्लियर है बच्चे, बात समझ में आई आपको? इसलिए इसका डायग्राम ऐसा बन रहा है, एक एक टाइम पे टी यू घटने लग जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आई बात कुछ? ठीक है, तो बच्चे टी यू मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ मैक्सिमम है ना, एक लाइन ऐसे ले लो, ठीक है, मैक्सिमम। एम यू को ना यहाँ से निकालना है, इसको टच मत करना वाई एक्सिस पे, यहाँ से निकालना। अब बोलोगे सर यहाँ से क्यों निकालें, क्या जरूरी यहाँ से निकालने की, क्या जरूरत आन पड़ी है यहाँ से निकालने की? आप ऐसा अगर सवाल कर रहे हो, समझ में आया नहीं है, क्लियर है? तो आपके पास में क्या है? एम यू है। अब ये देखो बच्चे, जब आपका एम यू मैक्सिमम है ना, तो जब आपका टी यू मैक्सिमम है तो आपका एम यू क्या है? जीरो लेवल है। और जब आपका एम यू जीरो से ज़्यादा है, मतलब कि इससे ऊपर क्या होता है? जीरो, इससे नीचे नेगेटिव, ये एक्सिस पे जीरो होता है। जब एम यू जीरो से अबव है बट एम यू फॉल हो रहा है कंटिन्यूसली, बट जीरो अबव है तो टी यू बढ़ रहा है। जब एम यू आपका नेगेटिव चला गया, दिस वन, जब एम यू आपका नेगेटिव चला गया तो टी यू आपका फॉल नहीं हो गया। तो ये है डायग्राम बिटवीन द टी यू एंड एम यू, समझ में आया बच्चे? मोटा मोटा रिलेशन, टी यू इज द एडिशन ऑफ एम यू, टी यू इज इंक्रीजिंग सो लॉन्ग एज एम यू इज अ पॉजिटिव, व्हेन एम यू इज अ जीरो टी यू इज अ मैक्सिमम, व्हेन एम यू इज अ नेगेटिव टी यू स्टार्ट डिमिनिशिंग। ठीक है ना, क्लियर है बच्चे, समझ में आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? हेलो, अब बच्चे हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन हमारा है, या पढ़ा दूं अभी आपका, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है।